दोस्तों, अगर आपके समरसेबल पानी नहीं दे रहा है और वो जाम हो गया है और आप परेशान हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को पूरा देखिए और समरसेबल को बिना निकाले बोरवेल से बिना निकाले आप कैसे ठीक कर सकते हैं उसके तरीका मैं आज इसकी वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो पूरा देखिए और चैनल पे हमारे नए चैनल के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस और वीडियो में लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। दोस्तों, अगर आपका समरसेबल बोरवेल है और बोरवेल मतलब आप जब चालू कर रहे हैं समरसेबल और पानी नहीं दे रहा है तो मतलब आपको क्या करना है, मतलब बिना बहुत लोग आपको बोलेंगे कि समरसेबल को मतलब रिपेयर करवाइए, बोरवेल से निकालिए, ख़राब हो गया है, जल गया है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक तरीका जिससे आप मतलब आप समरसेबल का जो स्टार्टर होता है उससे बाहर ही आप ठीक कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, तो ये तरीका जैसे ये है कि समरसेबल गर्मी में क्या होता है कि जाम हो जाता है, मतलब कचरा बहुत बोरवेल में कचरा हो जाता है, आयरन हो जाता है, तो समरसेबल जो होते हैं वो जाम हो जाते हैं, तो उसमें मतलब पानी नहीं आने लगता है, वो समरसेबल का जो पंखा होता है वो रुक जाता है। तो उसको आपको कैसे चलाना है, मतलब बाहरी में ऐसा तरीका बताऊँ जिससे आप मतलब जो वायर है समरसेबल का जो वायर है उसी से आप मतलब आप चेंज करके मतलब उसको आप समरसेबल को चला सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। दोस्तों ये तरीका मतलब जो जाम होगा मोटर उसी में ये तरीका काम करेगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये जानना है कि समरसेबल जाम हो गया कैसे, मतलब जाम हो गया तो उसका पता कैसे लगाया। तो दोस्तों समरसेबल जब ठीक होता है तो उसका एम्पियर जो होता है वो 10-11 बताता है। आप लोग जानते हैं अगर आप समरसेबल आपको घर में चलता होगा तो समरसेबल जब चलता है तो उसका एम्पियर 10 या 11 होता है, तो समरसेबल अच्छा काम करता है। और समरसेबल अगर 20 तक चला जाए तो समरसेबल समझ जाइए कि वो जाम हो गया, मतलब उसमें कचरा आ गया है, वो सही से नहीं चल रहा है, पूरा मतलब रुक गया है। और अगर वो पूरा मतलब एम्पियर 30 तक ये काटा जा रहा है तो आप समझ जाइए कि समरसेबल मतलब पूरा जल गया है, ख़राब हो गया है, उसमें मतलब आपको निकालना ही पड़ेगा। अगर आपका समरसेबल मतलब 20 तक एम्पियर ले रहा है, 19-20 तक एम्पियर ले रहा है, तो वो समरसेबल ठीक होने का चांस उसमें बना हुआ रहता है, उसमें मतलब समरसेबल जो होता है वो कचरा जाम हो जाता है और नहीं चलता है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, चलिए आपको मैं बताता हूँ उसके बारे में। दोस्तों समरसेबल में से दिखाओ उसको, 5 वायर होता है, 2 वायर बिजली का होता है, 1 फेज एक न्यूट्रल होता है। तो वो ये बिजली के तार होते हैं जो इसमें मतलब पावर देता है, स्टार्टर में पावर देता है। उसके बाद में जब तीन तार होते हैं, एक होता है रेड, एक होता है येलो, एक होता है ब्लू, जो समरसेबल से कनेक्ट किया हुआ रहता है, मतलब समरसेबल में स्टार्टर पावर देता है। तो दोस्तों ये 2 वायर जो होते हैं वो बिजली खो जाते हैं और 3 वायर जो होते हैं वो समरसेबल खो जाते हैं। तो दोस्तों ये ठीक है, तो आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। समरसेबल में का जो आप नीचे देख रहे हैं, जो समरसेबल का रेड येलो ब्लू जो कनेक्ट किया हो रहता है स्टार्टर से, समरसेबल का जो वायर होता है, जो समरसेबल का आप जानते हो 3 वायर होता है, उसमें एक होता है अर्थिंग होता है, 2 होता है मेन वायर होता है, और बिजली का वायर होता है 2। इसको आपको छोड़ देना है, जो 3 वायर आपको दिख रहे हैं समरसेबल का, इसमें रेड येलो और ब्लू, तो आपको उस पर क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों मैं इसको खोलता हूँ, ये समरसेबल का ढक्कन है, मैं आपको खोल के बताता हूँ, इससे आपको मतलब पूरा आपको मतलब समझने में आसानी होगी, इसीलिए मैं खोलता हूँ। ये समरसेबल 1 HP का है और ये मतलब ये अभी ठीक है, इसमें ख़राबी नहीं, इसको ये आपका समरसेबल का जो स्टार्टर होगा, इसीलिए अब मैं आपको इसमें डेमो करके बता देता हूँ आपको कैसे ठीक करना है। इसको इसका जो ढक्कन है मैं इसको पहले खोल लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ मैं ढक्कन खोल लिया, इसमें आप देख रहे हैं एक लाल है, एक पीला है और एक हरा है। तो दोस्तों ये तीनों ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये लाल वायर है, तो लाल वायर जो होता है समरसेबल का जो इसमें वायर होता है तो हम लोग लाल में कनेक्ट करते हैं, पीला वायर होता है तो हम लोग पीला में कनेक्ट करते हैं, और हरा वायर होता है समरसेबल का जो तार आया होता है उसमें हम लोग हरा कनेक्ट करते हैं। तो आपको क्या करना है दोस्तों, इसमें आपको 5 वायर दिख रहा है, 2 बिजली का वायर दिख रहा है और 3 समरसेबल पंप का मोटर का आया हुआ है वो वायर दिख रहा है। तो आपको बिजली वाला वायर को तो छोड़ ही देना है, उसको कुछ नहीं करना है। जो इसमें 3 वायर जो आपको दिख रहा है समरसेबल पंप का जो कनेक्ट किया हुआ रहता है मोटर से, तो इसमें आपको वायर चेंजिंग करना है। तो वायर आपको किस किस वायर को चेंज करना है मैं आपको बताता हूँ। इसमें आपको लाल, पीला और हरा दिख रहा है, तो आपको 2 इसमें वायर चेंज करना है, सिर्फ लाल को छोड़ देना है और पीला और हरा को आपको चेंजिंग करना, मतलब कि पीला वाला वायर को निकाल के और आपको हरा में लगा देना होगा और हरा वाला वायर खोल के आपको पीला में लगा देना है। समरसेबल मोटर पंप का जो नीचे वायर है उसी को आपको मतलब पीला वाला वायर को आपको हरा में लगाना होगा और हरा वाला वायर है उसको आपको पीला में लगाना होगा। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना होगा, समरसेबल पंप को आपको 5 से 10 सेकेंड आपको चालू करके रखना होगा। चालू करके रखने के बाद आपको
चला देना होगा मोटर को। और मतलब इससे क्या फ़ायदा होगा, जिस सबमर्सिबल पंप का उल्टा वायर लगाने से मतलब ये होगा कि उसमें जो कचरा होगा वो पूरा मतलब साफ़ हो जाएगा, मोटर उल्टा घूमने लगेगा। मोटर जो होता है हम लोग सीधा वायर लगाते हैं तो उसमें सीधा घूमता है और पानी देता है हम लोग को, इससे उल्टा लगाने के बाद जो सबमर्सिबल पंप का मोटर होगा वो उल्टा घूमने लगेगा, उल्टा घूमने के बाद जो कचरा होगा वो पूरा निकल जाएगा। और आपको 5 से 10 सेकेंड आपको चालू कर देना है, फिर आपको बंद करके फिर से उसी तरीके से मतलब सीधा आपको वायर लगा देना है, और आपको मतलब मोटर अगर आपका जाम होगा तो वो चलने लगेगा। ये सिर्फ जाम हुआ उसी में ये काम करेगा, जला हुआ उसमें ये काम नहीं करेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पूरा समझ में आ गया होगा। जय हिंद, जय भारत।